हैं कि जहां पर आपको बता दें कि बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में जाने का ये पूरा मामला, और उसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं में देखिए किस तरह से रोष देखा गया, भारी नाराजगी हुई बीएसपी कार्यकर्ताओं में। और देखिए प्रदेश प्रभारी थे राम जी गौतम, उनका मुंह काला करके गधे पर उनको बैठाया गया, घुमाया गया, अशोक गहलोत से मिलीभगत का आरोप भी लगा। अब इस पूरे मसले पर मायावती का भी ट्वीट सामने आ गया है। मायावती ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी ने पहले राजस्थान में बीएसपी विधायकों को तोड़ा और अब मूवमेंट को आघात पहुंचाने के वहां वरिष्ठ लोगों पर हमला करवा रही है। ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो अति निंदनीय व शर्मनाक भी है। कांग्रेस अंबेडकरवादी मूवमेंट के खिलाफ काफी गलत परंपरा डाल रही है और जिसका जवाब जैसे तैसे मिल भी रहा है, जैसे को तैसा जवाब लोग दे भी सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो मायावती ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात ट्विटर पर सामने रखी और उसके बाद की देखिए, उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी हम आपको दिखा रहे, किस तरह से ये प्रदेश प्रभारी हैं और इनका मुंह काला करा के गधे पर इनको बैठाया गया, जूते की माला पहनाई गई, लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं प्रदेश प्रभारी को राजस्थान के। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट अब इस पूरे मामले में सामने आता हुआ, राम जी गौतम को गधे पर बैठाने पर यह पूरा ट्वीट मायावती का हुआ है। पहले कांग्रेस ने बीएसपी विधायकों को तोड़ा, ये मायावती ने कहा, इसके साथ ही कहा अब मूवमेंट को आघात पहुंचा रही है कांग्रेस। तो मायावती ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस वरिष्ठ लोगों पर हमला करवा रही है, ये भी आरोप मायावती का। आज की घटना अति निंदनीय शर्मनाक, तो आज की घटना को अति निंदनीय बताया है मायावती ने और मूवमेंट के खिलाफ गलत तरीके से बातें फैलाई जा रही है। अवैध हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अवैध देखिए, अब मायावती ने इस पूरे गधे वाले प्रकरण पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और सीधे सीधे कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया। अब जी बिल्कुल, मायावती की तरफ से रिएक्शन आ गया और मायावती ने सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पहले राजस्थान में बीएसपी को तोड़ा और अब जो अंबेडकरवादी मूवमेंट है उसके ऊपर घात लगाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है और अति निंदनीय है, ये वर्ड जो है वो मायावती ने इस्तेमाल किया। तो साफ तौर पर मायावती की नाराजगी जो है वो कांग्रेस के प्रति इस पूरे मामले में देखने में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रामाजी गौतम को गधे पे बैठा के चेहरा काला करके उनको घुमाया गया था वो कार्यकर्ताओं का रोष बताया गया था, मगर मायावती कह रही है कि जिस तरह से हमला कराया गया है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और कांग्रेस मूवमेंट जो कांग्रेस जो अंबेडकरवादी मूवमेंट है उसके ऊपर घात करने की कोशिश है वो कांग्रेस राजस्थान में कर रही है। अशोक गहलोत सरकार जो हरकत की गई उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, उससे वो नाखुश नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से सारी चीजें करवाई गई है। जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है कि गलत परंपरा जो है वो अब शुरू की जा रही है और जिस तरह से हम अंबेडकरवादी मूवमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है वो एक उनका जिक्र भी मायावती ने किया और साफ तौर पे नाराजगी जो है वो दिख रही है यहाँ पे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी डांट रही है और जो कांग्रेस है उसके ऊपर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। पहले उसने बीएसपी के एमएलओ को तोड़ा, उसके बाद फिर अब इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार अंबेडकरवादी जो मूवमेंट उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस जो है वो कर रही है। हालांकि जब राजस्थान में चुनाव हुए तो उस दौरान मायावती ने साथ दिया था सरकार बनाने में, उसके बाद की लगातार अशोक गहलोत जो है वो मायावती के ही जो बीएसपी के एमएलए थे उनके ऊपर घात लगाते रहे और उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उसको लेके वहां पे कार्यकर्ताओं में रोष जो था वो देखा जाता और वो रोष कल जो है वो फूटा और जो प्रदेश प्रभारी राजस्थान के हैं राम जी गौतम उनके खिलाफ वो रोष फूटा और देखा जिस तरह से उनको गधे पे बैठा के मुंह काला करके घुमाया गया पूरे शहर में। तो नाराज है, लेकिन अब ऐसे एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के पूरे प्रकरण से खासा नाराज दिखी है, कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही है, तो क्या जिन कार्यकर्ताओं ने बीएसपी के इस पूरी हरकत को अंजाम दिया, जिस तरह से वो उनके प्रदेश प्रभारी का मुंह काला कराकर बैठे गधे पर घुमाते हुए नजर आए, अब क्या उनसे जवाब मांगा जाएगा मायावती की तरफ से? जी बिल्कुल, हो सकता है कि कोई नोटिस जो है वो राजस्थान बीएसपी जो है वो जारी करे उन कार्यकर्ताओं को और उनसे जवाब तलब करे कि उन्होंने क्यों इस तरह की हरकतें की, क्योंकि वहां पे ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद नहीं है और वो नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि घर के आसपास उनको कहीं पकड़ा गया है, रोड पे जाते समय पकड़ा गया और उनको गधे पे अचानक उनके ऊपर इस तरह का हमला जो है वो रामाजी गौतम के ऊपर किया गया और मुंह काला करके गधे पर बैठा कर घुमाया गया इस तरह से। तो वहाँ ज्यादा कार्यकर्ता नहीं, 15 से 20 कार्यकर्ता जो है उस पूरे वीडियो में नजर आ रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया जाएगा और मायावती की तरफ से जवाब भी मांगा जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने इस तरह की हरकत जो है वो की अपनी ही पार्टी के एक नेता के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है कि दूसरी पार्टी का नेता नहीं, अपनी ही पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं
उनके खिलाफ इस तरह की हरकत की। हाँ, नाराजगी एक अपनी अलग जगह है, उसके लिए आप आला कमान के पास जा सकते हैं, आला कमान से शिकायत कर सकते हैं इस पूरे मामले में कि हमें शक है इस तरह के कि रामाजी गौतम जो है उस तरह की उनकी अशोक गहलोत से कुछ साजगाठ है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसके ऊपर आला कमान अपना एक्शन ले सकता था। मगर जिस तरह से रामाजी गौतम के ऊपर हमला किया गया और उनको गधे पर बैठा के मुंह काला किया गया, वो अपने आप में पार्टी कार्यकर्ताओं का रोष जो है वो दिखाता है। और साफ तौर पर मायावती या राजस्थान की जो बीएसपी जो अधिकारी होंगे, आला अधिकारी, वो इस मामले में निगरानी करेंगे और जवाब भी। मायावती भी देखिए इस पूरी हरकत से खासा नाराज नजर आई है और अब उसके बाद देखिए वो भी अपना अगला रुख स्पष्ट जरूर करेंगे, हालांकि ट्विटर के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैस इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज